नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। अगर आप भी अक्सर करके ट्रेन में सफ़र किया करते हैं तो यहाँ पे IRCTC ने एक नई सेवा को लॉन्च कर दिया है जिसको आपको जानना जरूरी है, कभी भी फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि IRCTC ने सेवा लॉन्च की है जिसकी मदद से आप खाली बर्थ चेक कर पाएंगे किसी भी ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी, तो और साथ ही साथ आप TT की मदद से उसे बुक भी कर सकते हैं या फिर टिकट उसका पहले ही अगर लेना अगर आप को पॉसिबल है तो ले भी सकते हैं स्टेशन से। तो यहाँ पे देखिए सारी खबर यहाँ पे जागरण में छपी हुई है। अब मैं चलिए बता देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है, कैसे आप चेक कर पाएंगे ये सुविधा। तो यहाँ पे आपको चलना होगा गूगल क्रोम में, ये देखिए हमने खोल लिया। यहाँ पे आकर के आप सर्च कर लीजिए IRCTC, यहाँ पे देखिए हम सर्च कर लेते हैं क्योंकि ये सुविधा IRCTC के द्वारा ही दी जा रही है। इनके हम ऑफिशियल साइट पर चलेंगे, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है और इसको हम कर देते हैं डेस्कटॉप साइट यहाँ पे व्यू में, क्योंकि अगर मोबाइल व्यू में खुलेगा तो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, उसमें आपको क्लियरली पता नहीं चल पाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ये देखिए हमने डेस्कटॉप व्यू में कर लिया है। आप यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो जहाँ पे फाइन ट्रेन PNR स्टेटस का ऑप्शन दिया जाता था वहीं पर ऑप्शन दिया जा रहा है चार्ट एंड वैकेंसी का, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज आपके सामने थोड़ी देर में यहाँ पे ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये देखिए हो भी चुका है। अब यहाँ पे आपको ट्रेन का नंबर इंटर करना है, मैं एक ट्रेन नंबर डाल देता हूँ 1553। हम बैक कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये ट्रेन का नाम आ चुका है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट वही रहेगी, बोर्डिंग स्टेशन आपको अपना जहाँ से भी देखना है वो स्टेशन आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर वाराणसी जंक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और गेट ट्रेन चार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिए ट्रेन का नंबर, जर्नी डेट वगैरह वगैरह सब यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे सेकेंड AC, थर्ड AC स्लीपर का ऑप्शन दिया जा रहा है। आपको जिस भी क्लास में सफ़र करना है उसका आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थर्ड AC का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने थर्ड AC सेलेक्ट कर लिया है। ये देखिए डिटेल हमारे सामने चली आई है। मैं फिर से डेस्कटॉप साइट करता हूँ क्योंकि वो मोबाइल व्यू में था। ये देखिए हमने डेस्कटॉप व्यू कर लिया है। अब यहाँ पे आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे छपरा से वाराणसी जंक्शन, छपरा से बलिया के लिए, छपरा से वाराणसी जंक्शन, काफ़ी सीट यहाँ पे खाली दिख रही है। और यहाँ पे बर्थ भी आपको दिखेगा, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, कौन सा बर्थ है। और यहाँ पे आपको सीट की बर्थ नंबर भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन कौन सा खाली है। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बुक करने का ऑप्शन भी दे रहा है, क्लिक करके आप इसको बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ नीचे में आपको रो पर पेज करके ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप 10 से लेकर के 50 के बीच में क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप 50 पे क्लिक करेंगे काफ़ी सारे 50 लिस्ट यहाँ पे आपको दिखेगी, देखिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाराणसी जंक्शन से लेकर के, सॉरी, छपरा से वाराणसी जंक्शन ही अभी आ रहा है, मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 446 मतलब 446 नंबर यहाँ पे हैं, तो उनमें कहीं भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे भी एक टिक करके देखता हूँ, अगर यहाँ पे वाराणसी जंक्शन सेलेक्ट हो जाता है, हाँ ऑप्शन आ रहा है वाराणसी, एक मिनट में इसको फिर से सही कर लेता हूँ, गलत हमने लिख दिया था वाराणसी, वाराणसी हमने सर्च कर लिया। अब देखिए वाराणसी से केवल दो जगह पे ही सीट खाली है, वाराणसी से शाहगंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाराणसी टू शाहगंज 2 या 6 में और 1 7 में सीट खाली है। एक बर्थ नंबर 1 है और एक बर्थ नंबर 2 है, यहाँ पे लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ। यहाँ से अगर आप बुक करना चाहें तो बुक भी कर सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक की सीट खाली है आप यहाँ पर बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।